तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरा परिवार, गायत्री परिवार यहाँ लगा हुआ है। काफ़ी कुछ सामान की पूरी पैकिंग हो रही है और यहाँ अलग अलग जैसे इन्होंने डिविजन्स बनाए हैं, कपड़े भी हैं, गृह उपयोगी जो वस्तु जिसे कह सकते हैं, ये पूरी पैक हो रही है। खाने का पूरा सामान अलग से पैक किया जा रहा है, जिसमें पूरे बिस्किट, राशन, साबुन, बिस्किट, ये हर एक आइटम है। आप देख सकते हैं कपड़े क्लॉथ का एक अलग डिवीजन बना रहे हैं, जिसके अंदर पूरे क्लॉथ पैक हो रहे हैं। और इसी तरीके से पूरा ये मेडिसिन देखिए, हमारी छोटी बहन प्यारी सी गुड़िया मेडिसिन लेके आ रही है। हाय बेटा नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीलेश उपाध्याय, आप देख रहे हैं मंथन टीवी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम खारघर, नई मुंबई के खारघर इलाके में हैं, जो एक बहुत ही भयंकर आपदा आई हुई है हमारे सांगली, सातारा, कोल्हापुर के भाई बहनों के ऊपर। कुदरती आपदा के सामने जो जूझ रहे हैं उनके लिए हमारे गायत्री परिवार नई मुंबई ने एक अनुदान के हिसाब से, अंशदान के हिसाब से काफी कुछ सामग्री इकट्ठा की है और आज वहां पर भेज रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं गायत्री परिवार पूरे भारत में जहां पर कोई परेशानी होती है या कोई कुदरती आपदा होती है पहुंच जाता है, तो आज भी हमारे सब भाई बहन परिजन गायत्री परिवार के हम देखते हैं पूरी निष्ठा के साथ पूरा सामान इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ से, जिसमें आप देख सकते हैं हमने दिखाया कि खाने पीने का सामान है, कपड़े हैं, मेडिसिन हैं और हमारी डॉक्टर की टीम भी वहां पर जा रही है। तो जिस हिसाब से यहाँ तैयारी हुई हम आइए जानते हैं कि यहाँ इसका किस तरीके से इन्होंने प्रबंध किया है। नमस्कार, ये हमें जब कॉल आया कि ऐसी बाढ़ आपदा आ रही है, हमारे हमने परिजनों से बात किया तो सबने अपनी मानवता के पुकार पर सबने आगे आकर काम करने का निश्चय किया। और ये सारी सामग्री हमने एक नोटिस दिया कि ऐसे पैकेट बनाए जाएं जिसमें खाने पीने के सामान के अलावा दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी हों, और इस तरीके से लोगों ने किया नई मुंबई के सभी इलाकों से। इसके अलावा ये अभी थाने और बदलापुर से भी हमने ये कॉल किया है, वहाँ से भी सामान आने वाला है। और हमने निर्धारण किया है कि ये सामान हम जो सांतवन का बेस कैंप है इचल करंजी कोल्हापुर में, वहाँ पर भेजेंगे, जहाँ पर हमारे मिशन के 40 भाई बहन दिन रात वहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। और वापस उन्होंने वो जो वहाँ पर पैकेट्स जैसी ज़रूरत होगी करेंगे, वो गांव-गांव में जाकर ऐसे गांव में भेजने वाले हैं जहाँ पर दूसरे मिशन के लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो दूर दराज के गांव हैं जहाँ पर डेली इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, उनसे बात करके हमने ये निर्धारण किया है। और ये ट्रक आज यहाँ से इचल करंजी के लिए रवाना होने के लिए है। और जैसे कि मेरी इनसे बात भी हो रही थी कि आने वाले दिनों में इस तरह लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक कोल्हापुर, सांगली, सातारा और बाकी जो सीटें जहाँ परेशानियाँ कम ना हो जाए या बिल्कुल उनका जीवन पटरी पे ना आ जाए, तब तक हमारा ये गायत्री परिवार ये कोशिशों में और लगातार रहने वाला है। आने वाले दिनों में और भी क्या क्या आयोजन करने वाले हैं? अभी देखिए ये सामान पहुँच जाएगा, अगले रविवार को हमारे कुछ और वॉलंटियर्स और यहाँ तक कि हमारी एक प्रोफेसर अमिटी यूनिवर्सिटी की, वो कल जा रही है रेखा वाघानी, वहाँ पता करेंगे अगर आवश्यकता है तो। उन्होंने बोला है कि वहाँ की यूनिवर्सिटी के बच्चों की वहाँ 2-3 दिन का हम कैंप भी लगाएंगे, उनसे पता लगा के करेंगे कि अगर आवश्यकता है तो उनका काउंसलिंग भी, जो इसके लिए बाढ़ आपदा से पीड़ित हैं उनकी काउंसलिंग भी वो लोग जाकर करेंगे। और अगले रविवार को जाकर उसका डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपने मिशन के जो भाई बहन हैं उनका उनकी सहायता करेंगे। हमारे आह्वान पर इसमें दूसरे लोग भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो सामान इकट्ठा किया गया है इसमें केवल गायत्री परिवार मिशन के ही लोग हैं, बल्कि इसमें सोसाइटीज़ के लोग भी सभी जो है इसमें आगे आ रहे हैं और इस तरीके का कार्य देखकर वो बल्कि मिशन से भी जुड़ रहे हैं। हम और लोगों से भी, भाई बहनों से आह्वान करेंगे कि इस तरीके का जहां भी आपदा आती है तो आप गायत्री परिवार के साथ मिलकर आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं, हाथ बटा सकते हैं और गुरुदेव के इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए गुरुदेव के जो विचार हैं वो ये हैं कि लोग तक आपकी सेवा, आपका कोई भाई बहन अगर पीड़ित हैं, दर्द में हैं, कोई तकलीफ में है तो वहाँ खड़े रहना सबसे बड़ा धर्म है। और ये धर्म का पालन करते हुए गायत्री परिवार की ये शाखा चल रही है और ये पूरा परिवार लग रहा है। आप में से कोई भी इसमें हमसे जुड़ना चाहते हैं या गायत्री परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आने वाले कई दिनों में हम लोग और ये प्रोग्राम चलता रहेगा और सिर्फ सांगली या सातारा कोल्हापुर से ही सीमित नहीं है, पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर कोई भाई कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, लेकिन अगर परेशान है, पीड़ित है या कुदरती आपदा बर्दाश्त कर रहा है तो गायत्री परिवार उसके लिए खड़ा रहता है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप जो भी जुड़ना चाहते हैं नवी मुंबई या हमारे मुंबई कहीं पर भी, आप हमारे परिजन से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप इस मिशन के साथ जुड़े। धन्यवाद। आगे आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कोल्हापुर की और वहाँ की सांगली की और ताज़ा स्थिति आपको बता सकते हैं। थैंक यू।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बड़ा आगे रख दो, मेडिसिन से ना मेरा नाम उत्तम गायकवाड़ है, शांति कुंज हरिद्वार से हूँ, साउथ जोन दक्षिण भारत में काम करता हूँ। हमारे कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी विभीषिका आई, जिसमें हजारों लाखों लोग घर बेघर हो गए, जिसमें कई पशु हताहत हुए। अभी तक भी कई गांवों में अप्रोच नहीं है वहाँ जाने की, वहाँ पहुँचने की। तो उसके लिए पूरी टीम काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है। आप देखेंगे जब हम लोग यहाँ आए थे तो 12 फीट 15 फीट तक गाँव में पानी था। तो गायत्री परिवार का एक बेस कैंप अपने इचलकरंजी कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में है और कर्नाटक बॉर्डर है, तो दोनों प्रांतों का बेस कैंप हमने इचलकरंजी में बनाया। इचलकरंजी में अपनी टीम बहुत मजबूत है गायत्री परिवार की। तो पहले दिन से ही लगभग 6000 लोगों की भोजन व्यवस्था, जिसमें व्यवस्थित भोजन दाल चावल सब्जी रोटी, वो हमने अलग अलग जो बेस कैंप बने हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से गांव में, वहां पर पहुंचाते गए। और वो 15 दिन तक हमारा सतत चलता है। उसके बाद में बहुत सारे लोग, क्योंकि भारत देश में सब में एक सिंपैथी का भाव है, सब भाव भावुकता का देश है हमारा, सबकी भावनाएं पिघल जाती है कि इतनी बड़ी आपदा आई है। पूरे देश भरे से दुनिया भरे से कुछ ना कुछ मदद आ रही है, मदद तो आती है लेकिन सही जगह पर वो मदद पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि जो लोग अनभिज्ञ के लोग आते हैं उनमें भावनाएं आती है कि चलो हम भी बात के आते हैं, और हम बात के आते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, वो आते हैं सड़क किनारे जो लोग खड़े होते हैं उन्हीं को बांटते हैं और चले जाते हैं। तो उससे क्या होता, वहां पर एक अराजकता फैलती है, वहां चोर लोग लूटने वाले लोग, क्योंकि उनको लगता है माल आने वाला है तो अंदर गाड़ियां पहुंच नहीं पाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गायत्री परिवार की एक परंपरा है, गायत्री परिवार का एक तरीका है। क्या तरीका है ये, हम लोग पहले सर्वे करते हैं। अभी हमने 6000 लोगों का भोजन पर डे दिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, और जब ये सब लोग थकने लगते हैं, सब लोग हारने लगते हैं कि आप सब अपने अपने काम में जाने लगते हैं, तब सही मुसीबत शुरू होती है, वहां से डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू होता है। तो वहां से हम लोग क्या करते हैं कि गांवों में वहां के सरपंच को लेकर के, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर के सर्वे करते हैं। वो सर्वे करके हम वहां की लिस्ट चार्ट आउट करते हैं, और लिस्ट के आधार पर उन्हीं लोगों से पूछते हैं कि सही बताओ आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि एक बार आपका घर शुरू हो जाने को होना, तो वो बताते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है भैया, ये सामान हमारे पास आ गया है, इस सामान की जरूरत नहीं है। तो ऐसा करके मतलब वो बताते हैं, उस आधार पे हम, क्यों अलग अलग गांव की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है, तो उन लोगों से चर्चा करके हम फिर वही आइटम अपने कार्यकर्ता भाई बहन पूरे देश भरे से, और विशेषकर साउथ मुंबई पूना यहाँ से ज्यादा वो भेजते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लेकिन जैसे कोई आपदा आती है तो उस आपदा में दिक्कत क्या होती है, जैसे मैंने सुनामी में काम किया,
तो सुनामी में व्यक्ति क्या सोचता है, आपदा आई माने हमारे घर में जितनी बेकार चीजें हैं, हमारे घर में जितने कपड़े लत्ते पुराने हैं वो सब दे दो। क्यों? क्योंकि विचारों पे आपदा आई है। हो सकता कुछ कुछ मात्रा में वो सोचना सही हो सकता है, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर सब जगह ऐसे ही कपड़े या हर व्यक्ति ऐसा ही भेजे या हर व्यक्ति ऐसे ही सामान भेजेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने 4 ट्रक कपड़े, पुराने कपड़े सुनामी में जलाए। क्यों? क्योंकि जब दुनिया के लोग अच्छे नए कपड़े दे रहे हैं तो हम घर के फटे पुराने कपड़े क्यों कोई पहनेगा, क्यों कोई लेगा? और अगर हम पुराने कपड़े दे भी तो उसको इतने अच्छे से बढ़िया से धो के प्रेस करके और पैकिंग करके ताकि लेने वाले को भी सुकून मिले और जो वहां बांटने जा रहा है उसको भी देने में सुकून मिले। वहां भिखारी लोग थोड़ी है, वहां तो परेशान हुए हुए जो मतलब आपदा से घिरे हुए लोग हैं, बहुत अच्छे घरों के लोग होते हैं, बड़े बड़े घरों के लोग होते हैं, लेकिन मुसीबत आई है तो मुसीबत से तो पार पाना पड़ेगा। तो उसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता भाई बहन है सब लोगों को पहले हम इंटीमेट कर देते हैं, कोई पुराना कपड़ा नहीं भेजेगा, कोई गया गुजरा सामान नहीं भेजेगा यहाँ पर, सिर्फ क्योंकि गायत्री परिवार का लेबल लगता है, गायत्री परिवार की उसमें पोजीशन आती है, गायत्री परिवार की प्रेस्टेज का सवाल है। तो उसके लिए हम क्या करते, शानदार अभी हमने जो प्लान किया है, आप सब भाई बहनों तक ये मैसेज पहुंचे, जितना किचन में यूज होने वाला सामान है ए टू जेड उनका, वो पूरी किट बनाकर उनका महीने भरे का दाम चल सकता है। माचिस से लेकर मोमबत्ती से लेकर राई जीरा धनिया पाउडर से लेकर के दाल चावल आटा शक्कर से लेकर के दूध पाउडर से लेकर के और चाय पत्ती, माने आपका किचन एक महीने तक खाली नहीं होना चाहिए, ऐसी प्लानिंग हम लोग करते हैं। फिर क्या होता है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है जो काम हम करते हैं। उसमें नए कपड़े, हमारा जब भी कोई ऐसी कोई मुसीबत आती तो हमारी तिरुपुर की ब्रांच उसमें बहुत अच्छा सहयोग करती है और वहां से आधे से कम रेट में हमको सामान मिलता है, या तो उन्हीं की तरफ से मिल जाता है या आधे से भी कम रेट में सामान मिलता है। तो उसमें हम क्या क्या देते हैं, 2 टी-शर्ट, 2 लोअर जो पेंटर रात में पहनने वाले, 2 वर्मुड़ा टाइप के हाफ पेंट, उसके बाद 2 जेंट्स अंडरवियर, 2 जेंट्स बनियान और 2 कंबल, 2 न्यू बेडशीट। ये जितना सामान मैं बोल रहा हूँ ये सब न्यू, इसमें 1% भी हम कोई पुरानी चीज नहीं डालते। 2 बेडशीट, 1 टॉवेल, 2 नेपकिन और ये पूरा का पूरा बंडल बना करके उस किट के साथ में जिसमें आपने राशन दिया, वो यूनिट वाइज घर वाइज हम उनको एक जगह पर टोकन देते हैं और दूसरी जगह पर हमारा गोडाउन रहता है, वो टोकन लेके जाते हैं उस गोडाउन से अपना माल कलेक्ट करके, अपना सामान कलेक्ट करके लेके जाते हैं। और इसके बाद में जब ये सब कुछ होने के बाद में, जैसे हमने रायचूर में पूछा लोगों से कि भाई अब ये सब तो हो गया, आपकी जरूरत क्या है, बोले भैया अगर पंखे मिल जाए हम लोगों को, क्योंकि भयंकर गर्म एरिया है। सुनामी में लोग बोल रहे थे भैया पंखे मिल जाए, क्योंकि बोले तो छोटे छोटे पंखे, कोई ना कोई दानदाता, कोई ना कोई भाई बहन हमारे होते हैं जो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर कर देते हैं, तो पंखे दे दिए। किसी ने कहा कि भैया हमको अगर एक एक स्टोव दे दो तो हम अपना काम शुरू कर देंगे। हालांकि मोदी जी की तरफ से इतनी अच्छी प्लानिंग है कि गैस सिलेंडरों की और गैस चूल्हों की कमी नहीं है, लेकिन एक बता रहे फिर वो हमको रिक्वायरमेंट बताते हैं। और जो लोग सड़कों पे माल बांट के चले जाते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, अरे वहां तो अब जरूरत ही नहीं है बोलते, वहां क्या करोगे दे करके, वहां तो अब सब कुछ हो चुका है। क्यों हो चुका है, वो भावनाओं में आकर के सड़क पे बांट के चले जाते, उनको पता है कि अंदर गांव कितने हैं और कितने लोग अभी प्रभावित है, तो वहां जन जन तक मतलब हम कैसे पहुंच सके इस प्लानिंग के साथ। इसीलिए हम भाई बहनों ने, हमारी चलकरण जी की टीम, बेलगाम की टीम और गायत्री शांति कुंज की टीम ने निर्णय लिया, हम अपना काम 30 अगस्त से शुरू करेंगे। तो 30 अगस्त से शुरू करके क्या करेंगे, हम आज उनसे हम लिस्ट मांग रहे हैं और हम अपने जो सप्लाई, ताकि ये जो जितने लोग बाहर से आते हैं सपोर्ट करने के लिए, ये लोग जब निकलने लगेंगे तब हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। तो फिर उसमें हम लोग और क्या करेंगे, उनके यहाँ पर जैसे जो बच्चे पहली से लेकर के उस गांव में
ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक कितने बच्चे हैं उनकी लिस्ट को बनाएंगे, कंपास पेंसिल बॉक्स और इस प्रकार नोटबुक रजिस्टर, और किन बच्चों की पढ़ाई लिखाई से कौन सी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को हम पूरी करेंगे, और वो रिक्वायरमेंट को पूरी करके हम निश्चित रूप से, आप ये पक्का मान लीजिए, वो रिक्वायरमेंट हम पूरी करेंगे। और वो जैसा जैसा बोलते कि भाई साहब ये चीज हमको दिलवा दो, भाई साहब ये चीज हमको दिलवा दो, तो हम ऐसी वैसी रिक्वायरमेंट अपने परिजनों के सामने रखते हैं। मेरा विशेषकर अपने गायत्री परिवार के भाई बहनों से निवेदन है, यही नहीं कहीं पर भी हम लोग पुरानी चीजें ना भेजें, क्योंकि पुरानी चीजें जाकर के वहां ऑलरेडी पहले से इतनी डस्ट होती है, ऑलरेडी पहले से वहां इतना कूड़ा कचरा कबाड़ा होता है, और हम वहां पर और एक दो ट्रक कबाड़ा ले जाकर के जमा कर देते, इसका दुख वहां के प्रशासन को, वहां की नगर पालिका को भोगना पड़ता है, और इसमें वो कपड़ों को जलाना ही पड़ता है, दूसरा कोई चारा नहीं होता है। तो आप मत भेजिए, वो इतना पैसा, इतना सामान भेजने के बजाय आप दो पैसा दे दीजिए, तो वो दो पैसे से वो सामान नया खरीद करके भेज दीजिए। ऐसा करने से आपकी संवेदनाओं का मूल्यांकन होगा, आपकी भावनाओं का मूल्यांकन होगा। भगवान ना करे आज उनके ऊपर परिस्थिति है, कल कहीं और आती है, परसों कहीं और आती है, तो एक दिन भगवान ना करे हम कभी इस चपेट में आए, तो हम उनकी जगह पे होंगे तो क्या सोच होगी हम उनकी जगह पे, क्योंकि अच्छे घर के लोग होते उनकी भावनाओं का संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए हमको अपना सामान उन तक पहुंचाना चाहिए, और फिर बाद में उनका मोरल बढ़ाने के लिए दीप यज्ञ यज्ञ, और हम जो बच्चे हमारे साथ अच्छा काम कर रहे उन बच्चों को फ्री में शांति कुंज ले जाना, उनकी टिकटें हम बना के देंगे, शांति कुंज में उनकी ट्रेनिंग कराएंगे, वहां से रूरल मैनेजमेंट का कोर्स उनको करवा करके फिर से अपने गांव डेवलप करने के लिए यहां पर हम बुलाएंगे। ऐसे हमारी कार्य प्रणाली है इस बात के साथ में। और आप लोगों का अगर कोई सजेशन हो तो आप अपने सजेशन दे सकते हैं, अच्छे से अच्छा उन सजेशन को फॉलो करेंगे। ओम शांति।